ओके तो आज हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ी क्लास हैवी होने वाली है आज की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और हम वैसे तो एस की वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो आज हम देखो मेनली क्या देखने वाले हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो बार लिख दिया वो। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पर, और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी पे, इन सब पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारी चीजें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, सेकेंड क्लास में कर यस चुके हैं ना, है भाई? सर, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारा थोड़ा रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हमारा दो मासेस हैं, इन पॉइंट मासेस आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इन दोनों की वजह से, या फिर बोलू कि जिस कंडीशन में ये रखे हुए हैं, इन दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो उसका फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू माइनस के जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली, अगर मेरा कोई पॉइंट मास है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, और मैं बोलूं कि इन सब की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा ले ली, थोड़े से कम लेते हैं जिससे कि हम बना पाए। तीन ले लेते हैं, दो तीन ले लेते हैं। चलो, जैसे इसको वन टू और थ्री बोल दूं, तो देखो वन टू की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वन टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर वन टू का उसका एक, सॉरी आर वन टू प्लस वन थ्री की वजह से एम वन एम थ्री डिवाइडेड बाई आर वन थ्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर वन थ्री। सिमिलरली, इन दोनों के बीच की होगी टू थ्री के बीच की। तो हमारे ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनते हैं कुछ, जैसे वन टू थ्री जितने भी मासेस हैं उन सबको मिला के जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है सबको ऐड कर दें, तो वो होगी हमारे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो सिस्टम कितने बनते हैं, जैसे अभी तो मैंने तीन मास बोले, जैसे पांच मास हो, छह मास हो, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। हमारे चार मास हैं तो मेरे सिक्स कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। जैसे चार मास हैं तो फोर इंटू फोर माइनस वन थ्री डिवाइडेड बाई टू कितना होगा, 12/2 यानी कि 6। चार मास होंगे तो 6 बनेगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, मेरे चार मासेस हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, तो चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, छह कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो छह कॉम्बिनेशन से उनके बीच की डिस्टेंस का डिवाइड कर दूं तो वो मेरी आएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो चमका, इतना चमका? यस सर, ठीक है। अब हम आते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के सरफेस पे हम बैठे हैं, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो अगर मान लो किसी अदर डिस्टेंस पे है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जी एम एम ओवर आर, लेकिन फॉर अर्थ सरफेस ये आर क्या हो जाएगा, फॉर अर्थ सरफेस के लिए आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो इस आर की जगह पर हमने पुट कर दिया कैपिटल आर, तो जी एम एम ओवर कैपिटल आर, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पे है, जैसे एम मास है आपका ऑब्जेक्ट का और कैपिटल एम है अर्थ का, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ, जैसे मैं, आप, ये टीवी, बेड, लैपटॉप, पंखा, जितनी भी चीजें हैं, उन सब की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि हम सब लोग अर्थ पर बैठे हुए हैं। बोलो चमका। यस सर, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, एक इम्पोर्टेंट का, अभी 30 बच्चे आए हैं, जिन जिन बच्चों के मैं नाम लूंगा अभी थोड़ा सा आगे लास्ट में जाके, इसलिए जाइएगा कोई भी मत, क्लास का एंड के बाद में मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, वो बच्चे क्लास में रुकी रहिएगा, क्योंकि उनका कुछ मुझे कुछ कंफर्म करना है, उन लोगों से कुछ डाटा रिलेटेड कुछ कंफर्म करना है, तो वो लोग रुके रहिएगा, बाकी लोग चले जाना। तो अब इसीलिए लास्ट में जब तक मैं नाम ना बोलूं तब तक रुके रहिएगा,
ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो बीच में छोड़ के मत जाइए, हो सकता है आपका नाम हो उसमें तो फिर आपका कुछ मिस हो जाए, मैं नहीं चाहता कुछ भी मिस हो, ठीक है? यस सर। ओके, तो अब आते हैं हम डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? जैसे मैं बैठा हूं छत के ऊपर, ठीक है, अभी देखो थोड़ी बहुत डिस्टेंस की बात नहीं करते अपन, जैसे आप अगर अर्थ की सरफेस से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो वो पूछा है कि मान लो आप किसी ज्यादा हाइट पे ऊपर गए, ज्यादा हाइट पे ऊपर गए, जैसे मान लो आप चले गए अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर, और अर्थ जब आप अर्थ पे थे और जब आप अर्थ के से ऊपर 50 किलोमीटर ऊपर चले गए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस हुआ होगा? तो देखो जैसे हमने मान लिया कि बी, मतलब हम जब अर्थ सरफेस पर बैठे हुए थे बी हाइट, जब हम किसी हाइट पर चले गए एच हाइट पर चले गए तुम्हारी ए हाइट हो गई, तो यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी? आर प्लस एच होगी कि नहीं होगी? यस सर। है, तो हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बी पॉइंट पे लिखूं तो माइनस के जी एम एम ओवर आर, मतलब इस सरफेस पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। सिमिलरली हम इस ए पॉइंट पर अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के जी एम एम ओवर टोटल आर क्या होगी? अब डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गई? आर प्लस एच, तो क्या होगी? आर प्लस एच हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। बोलो, तो हमें यहां से पता चल रहा है कि ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बी से ज्यादा है, क्योंकि देखो नीचे अगर बड़ी नंबर से डिवाइड करेंगे, नीचे अगर बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कम आएगा, ये छोटे नंबर से डिवाइड है तो ये ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। अरे बस समझ में, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट पे जा रहे हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। बचपन से हम भी यही पढ़ते आए, आज हम बचपन की प्रॉब्लम देखेंगे, बचपन से हम जब से निप्पल से दूध पीते थे ना, छोटी सी बोतल में निप्पल लगा के दूध पीते थे हम, तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच होता है, तब से पढ़ते आ रहे हैं ना। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मैंने तो हाई स्कूल में जाके पढ़ा था, मैंने तो 9th क्लास में जाके पढ़ा था एम जी एच। बेटा उससे ही पहले पढ़ते आ रहे हैं, जब हम बहुत छोटे थे गोदी में पप्पा की गोदी में खेलते थे ना, उस टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच होता है, ठीक है? तो अपन ठीक है, तो अपन देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का हमें डिफरेंस चाहिए, तो हमें चाहिए डेल्टा यू, यू ए माइनस के यू बी कर दिया, यू ए मेरा माइनस क्या है जी एम एम ओवर आर प्लस एच, माइनस इसको माइनस कर दिया, तो अब देखोगे यहां से कॉमन ले लो जी एम एम कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r - 1/r + h, तो जब एलसीएम लिया तो हमारा हो गया R into R plus H। ऊपर देखो एलसीएम लेने के बाद में अगर मैं ऊपर की बात करूं, देखो 1/r - 1/r + h को जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा R into R plus H, ठीक है? देखो यहां से R plus H तो इधर आ जाएगा, R plus H तो इधर आ गया, देखो R आपका इधर आ जाएगा, माइनस के R आ जाएगा, तो R से R हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ओनली H, तो एच को भेज दिया इन लोगों के साथ में, जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, एच नीचे से एक आर और कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया तो नीचे हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया जी एम एम एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 + h/r। हम ये कर क्यों रहे हैं जरा देखो, यहां से कुछ लाना चाहते हैं, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर क्या बोलते हैं इसको, क्या इसको स्मॉल जी बोलते हैं? स्मॉल जी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? इसको हमने पुट कर दिया स्मॉल जी, तो हमारा क्या बोलता है एम एच इंटू स्मॉल जी, तो एम जी एच आ गया ऊपर डिवाइडेड बाई 1 + h/r, तो हमारा एक्चुअल में जो हम पढ़ते आ रहे थे उसके उसको हम एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता एम जी एच ओवर 1 + h/r। लेकिन हम पढ़ते क्यों आ रहे थे, क्योंकि हम क्या करते थे, हमारा घर की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, इससे ज्यादा किसी के घर की ऊंचाई नहीं है, और 10 20 50 मीटर 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की रेडियस। yes, अगर मेरी एच, अगर मेरी एच बहुत छोटी है आर के कंपैरिजन में, तो देखो 1 मीटर डिवाइडेड बाई 6400 इंटू, चलो 1 मीटर 20 मीटर ले लेता हूँ, चलो 20 मीटर डिवाइडेड बाई 64 × 10⁻³, इसको डिवाइड करूंगा तो क्लोज टू जीरो आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये वाला नंबर हम भूल जाते हैं, क्लोज टू जीरो प्लस वन वन,
तो यू इक्वल टू एम जी एच, इसीलिए हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे थे नेपाल से दूध पीते टाइम कि डेल्टा यू इक्वल टू मेरा क्या होता है एम जी एच। MGH एक्चुअली में क्या होता है, MGH इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, नॉट एन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, नहीं होती है। और ये कब होती है, जब H आपका बहुत बहुत छोटा हो रेडियस। बोलो चमका। यस सर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन करो। द वर्क डन टू रेज अ मास M फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट H इज इक्वल टू, किसी सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी एच हाइट पे ले जाने पे, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि एच इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, आर दे दिया है। उसने वो क्वेश्चन बोला है कि कोई सरफेस ऑफ द अर्थ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं इस हाइट पे लेके आया हूं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, इसको यहां पे लेके आया हूं बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे लेके आया हूं, और ये जो हाइट है सरफेस से, ये भी कितनी दे रखी है, H इक्वल टू आर दे रखी है, R हाइट है। तो उसने बोला है वर्क कितना करना पड़ेगा मेरे को, और ये हाइट आपको पता ही है R है, ये तो ये आपको R होती है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब वर्क कितना करना पड़ेगा ये आपको पूछा है सर, बी ऑप्शन आया आंसर, कुछ बच्चों का आंसर आया है सर बी, सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आया है बच्चों का, और किसी का आया सर, बी ऑप्शन है मेरा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। देखो जब आपका अर्थ सरफेस पॉइंट ए पे था तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, एम जी एच होगी, आर को, आर तो मेरा जीरो है ना, तो एम जी एच ही होगी ना, अरे चलो जी एम के टर्म में ले लो, जी एम के टर्म में ले लो, आपकी मर्जी, जी एम एम ओवर आर होगी बी पॉइंट पे। मैं थोड़ा शॉर्टकट करवाना चाह रहा था लेकिन आप नहीं, आपको लॉन्ग कट ही चाहिए। चलो जी एम एम ओवर आर होगी कि नहीं होगी, इसका मास एम मान लेता हूं, स्मॉल एम। अब जब मैं पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी भाई, क्या जी एम एम ओवर R प्लस एच, देखो एच क्या है मेरी R है, क्या होगी जी एम एम ओवर R प्लस R, यानी कि चलो नीचे लिख लेते हैं जी एम एम ओवर टू आर, कोई दिक्कत, नो सर, कोई शक, कोई शक नहीं, शक है, नो सर, नो किस, अच्छा कोई शक कौन बोलता था इसे, कोई बोलेगा बताएगा, कोई शक, हाँ? कोई हीरो है, एक्टर है, कोई पुराना एक्टर है, हिंट, एम से नाम शुरू होता है इसका, कोई शाह, कौन, मिथुन बोलता था, मिथुन चक्रवर्ती, नाम सुना है, यस सर, यस सर, वो बोलता था कोई शाह। ठीक है, अब हम आते हैं, हमें हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम, तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पी बी माइनस के पी ए। अब जरा देखो पी बी क्या है मेरा, पी बी पी बी पी बी पी बी क्या है मेरा, ठीक है जी एम एम ओवर 2R माइनस जी एम एम ओवर R, तो क्या बचा, हाफ बचेगा ना, जी एम एम ओवर 2R ही बचेगा, क्योंकि 1 बाई 2 है, और इसमें अच्छा माइनस के बचेगा, ये माइनस के ही बचेगा ना, यस और नो, तो बोलो, यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको देखा, अब हम यहाँ पे क्या जी एम, जी एम की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, क्या जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जी का फॉर्मूला होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, जी एम की जगह पे आर स्क्वायर पुट कर दो, तो
तो यहाँ पे क्या करोगे, आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई टू आर, तो यहां से एक एम जी जी और आएगा ना, आर जी आर स्क्वायर पुट करते थे, तो आर से एक आर कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, जी आर एम ओवर टू। कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी ही आया क्या सबका? बी सर, बी आया था आप लोगों का भी? चलो मेरा भी yes, हमारा भी बी आ गया फिर, ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े भाई। यस सर। अब जरा ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, थ्री पी बाय क्यूज में जो क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे हैं अपन, कितना भी थ्योरी कितना भी फास्ट कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपन। एज्यूम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इन्फिनिटी इज जीरो। भैया एज्यूम क्या करना है, ये तो अपन को पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पे जीरो होती है। जैसे हम आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मानते थे किसी एक चार्ज पे पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो होता था, वहां से लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता था उसी को तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते थे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम व्हेन टेकन इनटू हाइट एच, टेकन टू हाइट एच फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन लमसम सिमिलर सा है, देखो कर कोई पढ़ो और थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को, लमसम सिमिलर सा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो हमने डेरिवेशन किया था ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही डेरिवेशन आधे तक सॉल्व किया है बस इस क्वेश्चन का। अगर मैं देखू पूछा क्या है उसने, देखो एज्यूम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी इज जीरो, ठीक है। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम व्हेन टेकन टू अ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से एच हाइट तक लेके गए हो, सरफेस से एच हाइट तक लेके गए हो। जरा फास्ट करो इस क्वेश्चन को, फास्ट करो इस क्वेश्चन को। सर डी ऑप्शन है, देखो हमें पता है कि अर्थ के सरफेस से लेके जा रहा हूं मैं, अगर मैं बोलूं कि अर्थ के सरफेस से यानी कि इस पॉइंट से लेके जा रहा हूं एच हाइट तक, इस पॉइंट को मान लू ए, इसको मान लू बी, अभी जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये मान लो एच है, तो ए पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर आर स्क्वायर बोल रहा हूँ, आर होगा कि नहीं होगा ये मान लो आर है, और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे क्या होगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। उसने क्या पूछा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पी फाइनल, फाइनल क्या है मेरा बी पॉइंट पे, यानी कि क्या होगा जी एम एम ओवर आर प्लस एच। देखो ये माइनस की होती है पहली बात, तो उसको माइनस रखो, माइनस माइनस के जी एम एम ओवर आर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के जी एम एम ओवर आर प्लस एच, या फिर एक काम करूं आर प्लस जी एम एम कॉमन ले लेता हूं, यहां से क्या होगा, यहां से प्लस का वन अपॉन आर बचेगा, वन अपॉन आर माइनस के वन अपॉन आर प्लस एच। बेटा फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने किया है अभी, डेरिवेशन सेम डेरिवेशन किया है। तो देखो यहां से क्या होगा, जी एम एम ये बचेगा, एलसीएम क्या आएगा, आर इंटू आर प्लस एच आएगा, तो देखो आर प्लस एच इधर चला जाएगा, आर प्लस एच माइनस के आर इधर आएगा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, जी एम एम इंटू एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच, ऑप्शन बी जो करेक्ट है। हमने आपको याद हो सेम डेरिवेशन किया था, यहां से हमने क्या किया था, आर कॉमन लिया था, जी एम ओवर आर स्क्वायर को क्या पुट किया था, जी आर स्क्वायर, अरे याद है जी एम ओवर आर स्क्वायर को, या फिर जी एम ओवर आर स्क्वायर को जी पुट कर लो डायरेक्ट, या फिर जी एम को जी आर स्क्वायर पुट कर लो, आपकी मर्जी है। यस सर, यही तो किया था डेरिवेशन में। यस सर, वही क्वेश्चन है भाई। जरा इस क्वेश्चन को एक बार उड़ा जल्दी से, टू एस्ट्रोनॉइट
एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट टू द स्पेसशिप. दो एस्ट्रोनॉट हैं, वो बेचारे खो गए हैं, उनका जो स्पेसशिप है वो खो गया है. अब उन दोनों के बीच में क्या होगा स्पेस में, वो दोनों फ्री में हैं, स्पेस में बेचारे घूम रहे हैं, क्या होगा, वो पास आएंगे दूर जाएंगे, क्या होगा, जरा सोचो और मेरे को बताओ क्या होगा उन लोगों के साथ, क्या वो मिल पाएंगे. पूरा जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, हम इसी एपिसोड में करेंगे, अगला एपिसोड का इंतजार नहीं है. ऐसे तो बोलते हैं. यस सर. अरे टीवी सीरियल वालों की बात कर रहा हूं मैं. यस सर. सर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन आ रहा है. बी ऑप्शन. ऑप्शन बी. बी तान्या का आ रहा है, सी प्रीति का आ रहा है, अरुषि का भी बी आ रहा है. भुवनेश्वरी का भी बी आ रहा है. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब देख एक बात बताओ मेरे को, जब फ्री स्पेस है, देखो फ्री स्पेस का मतलब क्या है सर, जो ट्रेन में स्पेस बिना पैसे दिए मिले, फ्री में मिले, उसी को फ्री स्पेस बोलते हैं, या क्लास में है भी? सर जिस स्पेस के हमें पैसे ना देने पड़े उसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं, क्या यही डेफिनेशन होती है? एग्जाम में यही ऐसे ही लिखते हैं ना बोर्ड में, कि वो स्पेस जिसके हमें पैसे ना देने पड़े उस स्पेस को हम फ्री स्पेस बोलते हैं. बेटा उसको नहीं बोलते, फ्री स्पेस हम उसको बोलते हैं जहां पे न तो कोई एयर है, कोई भी मीडियम नहीं है, और न ही कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई भी ग्रेविटेशनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है. उस टाइम पे क्या होगा, एक बात बताओ, अपन को पता था, माना कि ये एक एस्ट्रोनॉइट एम मास का है, एम वन का, और एक एस्ट्रोनॉइट एम टू मास का है, ये मान लो आर डिस्टेंस दूरी पे है, क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्काई, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा एफ जी से, तो ये दोनों पास जाएंगे या दूर जाएंगे, बोलो है भाई, पास आएंगे कि नहीं. यस सर. आवाज आ रही है मेरी? यस सर. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन, पास आएंगे ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. क्लियर है ऑप्शन बी कैसे है? यस सर. ठीक है, अब हम आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है बांधने वाली एनर्जी. बाइंडिंग वर्ड से पता चल रहा है, बाइंडिंग मतलब बांधना, वो एनर्जी जो हमें बांधे रखती है अर्थ से, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं. क्या यही डेफिनेशन सही है? बिल्कुल सही है डेफिनेशन, वो एनर्जी. अब हम अर्थ तक बंधे किसकी वजह से रहते हैं, किसकी वजह से रहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. अगर हम अर्थ पर बैठा हूं ऐसे, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है. यस सर. अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी को जीरो है, तो फिर मैं बैठा कैसे हूं, गिर क्यों नहीं रहा हूं, मतलब ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूं अर्थ से, अर्थ के ऊपर ही बैठा क्यों हुआ हूं, क्योंकि मेरे को एक एनर्जी बांधे हुए है, या आप सबको एक एनर्जी बांधे हुए है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम मॉड फॉर्म में, मॉड मतलब क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, मॉड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. क्या बोलते हैं?
बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का आपको कभी भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है GMM ओवर R वही आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। मतलब एक बात बताओ, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब फील लो जरा, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि उतनी एनर्जी से आपको कोई बांधे हुआ है, पकड़े हुआ है। मतलब अगर उतनी काइनेटिक एनर्जी आपको कोई दे दे तो आप उस अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाओगे, जिसको हम आगे चल के बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। यस सर। एस्केप वेलोसिटी और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन समझ में आ रहा है कुछ? क्या रिलेशन है इन दोनों में? यस सर। एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी कब आती है? जब बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, बाइंडिंग एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उतनी ही एनर्जी अगर मैं किसी पार्टिकल को दे दूं, किसी ऑब्जेक्ट को दे दूं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो भाई जिस फोर्स से हमें बांधे हुआ था, जो फोर्स, एक बात बताओ, चलो बाइंडिंग एनर्जी का फील देता हूं मैं आपको, कि आपके पापा घर पे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर है पढ़ने का प्रेशर, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो बुक लेके ऐसे बैठ जाओ, बैठोगे, बैठते हो कि नहीं? यस सर। सब लोग बोले सर ये तो आपने मेरे मन की बात कहती, मैं तो बहुत करती हूँ ऐसा, है ना? देखो इमोजी सिर्फ प्रीति ने भेजी है, मन में सबके में लड्डू कूट रहा है कि सर वाकई में ऐसा ही करते हैं पर लोग, कभी कभी तो ऐसा करते हैं, डेली नहीं करते, कभी कभी ऐसा करते हैं कि yes, जबरदस्ती हमें बुक लेके बैठना पड़ता है। तो जो पापा के रहने की वजह से फोर्स आपके ऊपर लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, कि वो प्रेस, वो फोर्स है, इनविजिबल फोर्स है, कोई बता नहीं रहा कि फोर्स लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है, पापा का डर है। एक बात बताओ, पापा कहीं मामा के यहाँ चले जाएं एक रात रुकने के लिए, क्या उस रात पढ़ते हैं? No, sir. नहीं पढ़ते उस रात को, नहीं पढ़ते उस रात को, टीवी देखते आराम से, पूरी रात टीवी देखेंगे, भले आराम से सुबह जगेंगे 9 बजे। तो इसका मतलब क्या है? वो वाइंडिंग एनर्जी जैसे ही हटी, वो वाइंडिंग एनर्जी जैसे ही हटी, क्या आप आजाद हो गए बिल्कुल? यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो अब आपको फीलिंग, अब देखो मम्मी पापा वाली बात छोड़ो, अब आओ हम टॉपिक पे, इसी को रिलेट करते हैं टॉपिक से। जैसे बाइंडिंग एनर्जी जो थी, उतनी ही अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी दे दूं, जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ इसको धक्का मार दूं इतनी तेज कि उतनी ही काइनेटिक, जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी थी ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उतनी ही इसको काइनेटिक एनर्जी दे दूं, क्या ये अर्थ को छोड़ के भग जाएगा? कि भैया मेरे को अर्थ से मतलब ही नहीं है, मेरे को इतनी पावर आ गई कि मैं अर्थ को छोड़ के भग सकता हूं। यस सर। Yes or no? होते हैं ना? Yes, sir. तो देखो यही होता है हमारा, यही से हमारा टॉपिक एक और जनरेट होता है, क्या बाइंडिंग एनर्जी को ही इक्वेट करके हम निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी पहले निकालते हैं, पहले देखते हैं निकालते गए से हैं कि हाफ एम वी ई स्क्वायर, ई क्या है? एस्केप वेलोसिटी। और इसको किसके इक्वेट करते हैं? जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी बांधे हुई थी उसके इक्वेट कर देते हो। देखो एम से एम कट जाता है, टू इधर आ जाता है, वी ई स्क्वायर की वजह से इधर इस पर रूट चढ़ जाता है, तो वी ई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू जी एम ओवर आर, अंडर रूट टू जी एम ओवर आर। अब देखो ये रूट जी आर कैसे आता है? जी इक्वल टू होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर पुट कर दो, जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट करोगे, आर स्क्वायर ऊपर रहेगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, रूट टू जी आर आता है हमारा, ये फेमस फॉर्म। आई बात समझ में? रूट टू जी आर कैसे होता है? यस सर। एस्केप वेलोसिटी बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से आई है। अब देखो हम अर्थ के लिए क्या करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, 6400 किलोमीटर इसका, आर का वैल्यू डाल देते हैं तो हमारी अर्थ की वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दोगे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे कभी लौट के नहीं आएगा। मान लो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने प्रीति को घुमा के फेंक दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्या प्रीति कभी लौट के आएगी स्पेस से? कभी नहीं। अगर बाई चांस मेरे को फेंकने में 11.1 की स्पीड भी रह गई ना, तो प्रीति लौट के जरूर आएगी अर्थ पे, क्योंकि वो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल एनर्जी नहीं हो पाएगी, उससे कम एनर्जी अगर रह गई तो आप अर्थ पे लौट के आ जाओगे, अगर उससे ज्यादा हो गई तो जाओगे ही जाओगे। अगर 11.3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तब तो जाओगे ही जाओगे। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, देखो होता क्या है, अब यहीं से हमारी एस्केप वेलोसिटी आ गई। एस्केप वेलोसिटी सर है, ये बात तो समझ में आती है, फिर ये हमारे सैटेलाइट चारों तरफ कैसे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं। सैटेलाइट किसको बोलते हैं, पहली बात तो ये समझो, सैटेलाइट हम बोलते हैं, देखो सन के अराउंड जो रोटेट करते हैं उनको हम प्लैनेट बोलते हैं, उन प्लैनेट के अराउंड जो रोटेट करते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे सन का सैटेलाइट है हमारा मून, सन का सैटेलाइट कौन है, मून, मून चंदा मामा, चंदा मामा। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, मान लो मैंने किसी स्पीड से फेंका तो वो जाके ऐसे कुछ दूरी पे जाके ऐसे गिर जाएगा, थोड़ा सा और स्पीड से फेंका मैंने तो ऐसे घूम के गिर क्यों रहा है, क्योंकि ग्रेविटी हर बार हर पॉइंट पे इसको अपने पास बुला रही है, भैया आजा पास आजा पास आजा पास, ग्रेविटी हर टाइम पे इसको अपने पास बुला रही है। थोड़ा सा और स्पीड से फेंका, पूरा सर्कल कंप्लीट करके इसी पॉइंट पे आ गया, मान लो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसकी कंडीशन क्या होती है ये हम अभी पढ़ेंगे, जिस पॉइंट जिस स्पीड पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है अर्थ का चक्कर लगाने लग जाए, कुछ ही डिस्टेंस पे, थोड़ी डिस्टेंस दूरी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो दूरी है कम है, इतनी ज्यादा नहीं है कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर हो, लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दिया यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया तो उसे अर्थ से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, उसे अर्थ से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो भग जाएगा, बोल देगा हमें नहीं पता अर्थ कौन है, ये भूल जाएगा कि अर्थ कौन है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट पे। अब देखो जो हमने अभी देखा था कि जब अर्थ का चक्कर लगाने लगेगा, उस क्यों लगाने लगेगा, देखो कैसे लगाने के लगेगा, उस कंडीशन को हम देखते हैं। देखो हमारा ये है क्या, अर्थ, अर्थ का मास सेंटर और इसका मास, जब ये रोटेट कर रहा होता है लीनियर वेलोसिटी से तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लगता है, लगता है कि नहीं? Yes, sir. और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो क्या उस पे बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, कहीं लिखा होगा, हाँ लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी बोल सकते हैं इसको, इसको एफसी, इसको एफजी। तो ये ऐसी स्पीड से बैठते हैं जिस पे मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो मेरा सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता रहेगा, क्योंकि फिर ये अर्थ इसको अपने पास बुला नहीं पाएगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लग रहा है उसके। तो हम करते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हाफ सॉरी एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी ओ फॉर ऑर्बिटल स्पीड, एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर को इक्वेट कर देते हैं हम जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो आर डिस्टेंस पे ही होगा, gmm over r, तो हमारा orbital velocity आ जाती है gm over r। आपको याद हो escape velocity क्या आई थी, ve क्या थी, under root 2 gm over r, yes sir 2 gm over r ही आई थी ना, या फिर small r ले लो, तो हमारा escape velocity भी under root r के inversely proportional होता है। तो इन हमारा जब escape velocity और orbital velocity में relation देखा तो v not मेरा आया ve divided by root 2, यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी किसी प्लैनेट के लिए आई है उसका अगर रूट टू टाइम्स कम, रूट टू का डिवाइड कर दूं एस्केप वेलोसिटी में, तो मेरी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है कि अगर मैं प्रीति को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकूं तो अर्थ के, देखो अर्थ पे तो नहीं आ पाएगी लेकिन अर्थ के चारों चक्कर लगाती रहेगी, अपने घर को देखती रहेगी, अपने घर वालों को देखती रहेगी, ऐसे देखती रहेगी चारों तरफ घूमती रहेगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब हम आते क्वेश्चन पे, अभी तो और भी बाकी है, तो हो सकता है क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करें, बट थ्योरी तो कर ही लेते हैं। तो देखो उसके बाद आते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पे, भाई चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, यही बोलते हैं ना,
यस सर। एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर किसी सर्किल का एक चक्कर कितना लेंथ होता है, 2πr होता है कि नहीं होता है? यस सर। आर रेडियस है मान लो इसकी, 2πr, इसकी वेलोसिटी है मान लो वी, वी नॉट बोल देते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट है, तो कितने टाइम पे लगेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है मेरा? 2πr। वेलोसिटी क्या है? वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट में gm ओवर r। तो देखो r यहां पे है। अब एक बात और ध्यान रखो, देखो नीचे r है, ऊपर अंडर रूट में r है, नीचे ऊपर ओनली r है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 1 बाई 2 के हिसाब से जाएगा। देखो r की पावर 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 बाई 2 हो जाएगा r की पावर, होगा कि नहीं? तो देखो 3 यहां पे लगा दिया और 1 बाई 2 था उसकी वजह से अंडर रूट लगा दिया, तो t इक्वल टू आ गया 2 पाई ओवर रूट 2, 2 पाई अंडर रूट में r स्क्वायर ओवर gm, और आप r gm की जगह पे gr स्क्वायर में पुट कर सकते हो। कहां से? g इक्वल टू gm ओवर r स्क्वायर, यहां से gm की जगह पे gr स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। बोलो चमका सबको। यस सर। अब हम आते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में अगर आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? माइनस के gmm ओवर r थी। अब आपको याद हो तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो किसके इक्वल थी? हमारी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल थी, ठीक नहीं थी? यस सर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसको किसके इक्वेट कर रहे थे हम? अच्छा पहले पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी, के इक्वल टू मेरा हाफ एम वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब देखो वी ओ की वैल्यू मेरे को निकाली थी हमने, वी ओ की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ से, देखो जी एम ओवर आर निकाली थी ना, तो इस जी एम ओवर आर अंडर रूट में थी। अब जब इसको जी एम ओवर आर पुट करेंगे, स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, तो जी एम ओवर आर रूट से बाहर आ जाएगी, स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो यस सर। तो हमने क्या किया, जी एम ओवर आर पुट किया, तो जी एम ओवर आर बचा, तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का 1 बाई 2 जी एम एम ओवर आर आ गया, आया कि नहीं? यस सर। बोलो ठीक है। अब मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, भाई टोटल एनर्जी कितनी होगी फिर उस, जब हमारा और सैटेलाइट है वो चक्कर लगा रहा है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक क्या है? देखो काइनेटिक क्या है, यहां से देखो काइनेटिक क्या है, 1 बाई 2 जी एम एम ओवर आर। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है माइनस के जी एम एम ओवर आर। देखो इसमें 1 बाई 2 है, इसमें 1 बाई 2 नहीं है, इसका मतलब क्या बचेगा? माइनस के 1 बाई 2 बचेगा, माइनस के जी एम एम ओवर 2 आर बचेगा। तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ गई? इक्वल टू माइनस के जी एम एम ओवर 2 आर। आपको अगर ध्यान अगर रखना है तो शॉर्टकट ट्रिक में बता देता हूं, शॉर्टकट क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल टू होगी माइनस के ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर चलो पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी में 2 नहीं है ना, नीचे 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगी, इसको याद रखो। जो टोटल एनर्जी है, आप जरा देखो टोटल एनर्जी क्या है, माइनस के जी एम एम ओवर टी आर टू आर, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्लस के 1 बाई 2 जी एम एम ओवर टू आर। अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। बट हलवा टाइप का क्वेश्चन आता है इस वाले कंसेप्ट, हलवा एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है यहां से। टोटल एनर्जी दे दी आपको, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा के आंसर टिक कर देना है भाई, अगर कंसेप्ट याद है तो। अब जरा ये क्वेश्चन करो, तो एस्केप वेलोसिटी, देखो सारे के सारे पी वाई क्यूज कर रहे हैं अपन, सारे के सारे पी वाई क्यूज, अपन पी वाई क्यूज को नहीं छोड़ने वाले, गिरा गिरा के मारेंगे पी वाई क्यूज को, कोई शक? नो सर। चल मैं तब तक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कुछ नाम बोल देता हूँ। तानिया रुकवाल आई है क्या? तानिया, करुणा दिमन,
जैसे ही बच्चे जो भी बच्चा आया हो मेरे को बोल देना। भुवनेश्वरी आई है? भुवनेश्वरी, यस सर। भुवनेश्वरी ठीक है, भुवनेश्वरी आप रुकना बाद में, ठीक है। नप्रीत कौर, यस सर। ओके, दीक्षा कुमारी, रमिता चंद, पायल दीक्षित, सुनिधि, पायल, पारुल, गुंजन, अनमोल बंसल, अनीता कुमारी, रिजुल गोयल, रिजुल गोयल आइए, आइए रिजुल गोयल, रिजुल नहीं है, रिजुल ओके, नेहा कुमारी, नेहा कुमारी तो है, ओके, अंजू, अंजू कशिश, ओके कशिश नहीं, सरिका चौधरी, बीलिंका, बीलिंका, बीलिंका तो थी ना, ओके बीलिंका है, ठीक है, प्रीति, यस सर, ओके, पल्लवी शर्मा, ठीक है, ओके, तो आप बच्चे आई थिंक पांच बच्चे हो, पांचों बच्चे बाद में रुकना, ठीक है। अभी आंसर आया किसी का? आंसर आया किसी का? बी ऑप्शन, ओके बी ऑप्शन आया आपका, ठीक है, वेट फॉर अदर्स, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द एनोदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस फोर टाइम्स ऑफ अर्थ एंड सेम मास। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया गया, आपको करना क्या है इसमें, क्या करना होगा कि आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको क्या करना है, मास सेम दिया हुआ है, रेडियस अलग अलग दी हुई है, तो हमें फॉर्मूला पता है मास और रेडियस के टर्म में, तो पहले हमें मास को हटाना होगा, ओनली रेडियस लेके आने, क्योंकि मास सेम है दोनों का, डिपेंड रेडियस पे करता है ना, रेडियस के टर्म में पहले हम लेके आएंगे, तो मास को क्या बोल सकते हैं, मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होता है कि नहीं सर? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से हम लेके आएंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेडियस में किसके, स्क्वायर के, क्यूब के, किसके इक्वल होती है, ये अपन लेके आएंगे, तब जाके हमारा कुछ आंसर आ सकता है। अरे बस समझो कुछ, फोर टाइम्स उसने क्या बोला है, फोर टाइम्स बोला है उसने, जरा देखो ध्यान से, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, देखो अपन को क्या दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल, पहले तो उसका फॉर्मूला बता दो मेरे को, किसका, एस्केप वेलोसिटी का क्या होता है, 2gme/r, अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं तो, टू पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जनरल बात करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में gme/r किसी भी प्लानिट के लिए। अब ठीक है, एम क्या होता है मेरा, मान लेते हैं कि जो मेरा प्लानेट है वो स्फेरिकल शेप का होगा, तो एम को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर, पाई आर क्यूब लिख सकता हूं, यस सर, यस सर। तो हम यहां से क्या करते हैं, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट में जी एम को लिख दूं मैं रो इनटू 4/3 इंटू पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई आर, कोई दिक्कत किसी को? नो सर।
और देखो मास डेंसिटी उसने सेम दे रखी है, मतलब रो सेम है, जी सेम है और बाकी सब मेरा कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वी इक्वल टू अंडर रूट में एक कोई कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर, क्योंकि देखो आप बाकी सारी चीजों को देखो, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, किसी भी प्लैनेट के लिए ले लो आप, किसी भी प्लैनेट के लिए ले लो, इन दोनों प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी प्लैनेट के लिए ले लो, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो जी मेरा कांस्टेंट है, रो दोनों दोनों के लिए मेरा रो क्या है? कांस्टेंट है। फोर पाई कांस्टेंट है, थ्री कांस्टेंट है, तो बचा क्या फिर मेरा? आर क्यू अपॉन आर, मतलब आर स्क्वायर ऊपर बचेगा कि नहीं बचेगा? ओनली बोलो yes, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्योंकि अंडर रूट में ना, तो अंडर रूट से बाहर आया मेरा आर। बोलो चमका इतना। yes, ठीक है। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, आप समझ लो। नाउ अब देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज वी, तो मैंने बोल देता हूं कि वीई फॉर अर्थ, अर्थ वीई मतलब अर्थ हो गया, और वी बोल देता हूं मैं किसी एनोदर प्लैनेट की, कि वी एनोदर प्लैनेट को क्या ले लें, कोई एक्स प्लैनेट ले लेते चलो, तो क्या होगा? आर अर्थ डिवाइडेड बाई आर एक्स प्लैनेट होगा कि नहीं होगा? यस सर। VE मेरे को क्या दे रखा है? V दे रखा है, तो इसको पुट करते हैं V divided by VX equal to, अब देखो उसने क्या बोला है कि another planet having a radius four times of Earth, यानी कि जो RX है वो है 4RE, तो यहां से क्या पुट करते हैं? RE upon 4RE, भाई RX की है वो 4RE पुट कर दिया, RE से RE कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो। यहां से क्या आ गया? 1/4, तो मुझे vx पता करना है, vx इक्वल टू 4 चला जाएगा v के पास में, तो 4v इज योर करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन डी। यस सर। बोलो चमका। यस सर। अब देखो थोड़ा सा इसको अगर आप टफ करना चाहते तो और भी टफ कर सकते थे, जैसे इसने सॉल्व किया, देखो कितना हैवी सा लग रहा है, डर लग रहा है सॉल्यूशन देख के, लग रहा है कि नहीं? पता नहीं क्या किया है इतना सारी चीजें। हाँ हमने देखो हलवा सा क्वेश्चन था, इसको वैसे टफ किया है, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम, चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का होमवर्क निकाल लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो हम किस लिए बैठे हैं फिर, ठीक है? इसको होमवर्क में कर लोगे? यस सर। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे, क्या क्या पढ़ा है आज? बोलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, और हमने क्या पढ़ा है? बाइंडिंग एनर्जी, डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी है, क्या डिफरेंस पढ़ा? एस्केप वेलोसिटी, चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, और हमने मोशन ऑफ सैटेलाइट, पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और क्या पढ़ा है? इतना ही किया है, क्वेश्चन किए हैं फिर? यस सर। आज हमने काफी सारी थ्योरी आज हमने इस चैप्टर की कंप्लीट की है, तो इस चैप्टर को जो भी आज की थ्योरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार फिर से लगाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। तो जो मैंने 5 बच्चों के नाम लिए थे वो 5 बच्चे रुक जाएं, बाकी देखो होमवर्क में 3 क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन ये है, तो 8 3 11 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे, 8 11 को 11 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? Yes, sir. Okay, yes, बच्चों, बाकी लोग जा सकते हैं, मतलब चले जाएं, ये जो 5 लोग मैंने बताए थे वही 5 लोग रुके, बस वही 5 लोग रुके, बाकी लोग जाए। भुवनेश्वरी आपका नाम लिया था ना मैंने? Yes, sir. अच्छा, जो 5 लोगों का नाम लिया था वो जरा हैंड रेस करो, बाकी लोग लेफ्ट कर दो बेटा,
बाकी लोग लेफ्ट कर दो। संदीप कुमार, मैंने आपका नाम नहीं लिया था संदीप। सर अनीता कुमारी बोला। आप अनीता कुमारी हो? यस सर। सर पर दो अनीता कुमारी है, कौन सी वाली? एक सेकंड। अनीता कुमारी, आपके इस एसआरएन नंबर के पीछे क्या है? 464864 सॉरी। अनीता कुमारी, आपके एसआरएन नंबर के पीछे क्या है? आप बताओ जरा, आपका जो एसआरएन नंबर है उसके पीछे क्या है? सर 64864 64 है, ठीक है, फिर आप ही हो अनीता कुमारी।